इस बीच एक बड़ी खबर मिल रही है कटिहार से। कटिहार गोलीकांड में बड़ा खुलासा हुआ है। गोलीकांड पर एसपी और डीएम का बड़ा बयान सामने आया है। अज्ञात लोगों ने भीड़ में शामिल होकर गोली चलाई। दो लोगों को गोली मारने के बाद हुए फरार। गोली मारने वाले लोग सीसीटीवी में कैद। मामले की जांच की जा रही है। पुलिस की तरफ से एसपी की तरफ से यह बयान सामने आया है। दरअसल कटिहार में हुए बवाल पर पुलिस ने कुछ बड़ा खुलासा किया है। कटिहार एसपी ने बताया कि अज्ञात लोग भीड़ में शामिल होकर दो लोगों को मारकर फरार हो गए। अब वहीं पूरी घटना सीसीटीवी में भी साफ नजर आ रही है। साथ ही पुलिस भी इस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। गौरतलब है कि कटिहार में बिजली व्यवस्था के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर पुलिस ने फायरिंग की थी, जिस पर काफी बवाल भी हुआ था। इसी मुद्दे पर अब पुलिस ने ये सफाई दी है। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। दो लोगों को गोली मारते हुए इन तस्वीरों में आप देखिए नजर आ रहे हैं। दो लोग और गोली मारने वाले सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। फिलहाल एसपी की तरफ से कहा गया है कि मामले की जांच चल रही है। पुलिस के द्वारा जो कार्रवाई की गई थी, जो हवाई फायरिंग और बाकी कार्रवाई की गई थी, वो विद्युत कार्यालय के परिसर में की गई थी। परंतु जो मृत्यु की घटना है वो उससे काफी दूर और बीच में काफी ऊंची ट्री लाइन है। तो हवाई फायरिंग या किसी भी तरह से ये संभव नहीं है कि पुलिस की गोली से ये घटना हुई हो। और एक और बात, जो व्यक्ति आ रहा है जो सीसीटीवी फुटेज में, वो उसी तरफ से आ रहा है जहां पर की पहली मृत्यु जो खुर्शीद की हुई थी। खुर्शीद हुई थी, यानी जो दो लोगों को लड़के ने मारा गोली, वही का नाम कौन है? सोनू और न्यास। यहाँ पर जो दिख रहा है कि यहाँ पर दो लोग जो थे, जहाँ पर सोनू शाह और नियाज दोनों जो यहाँ पर उनका वीडियो वगैरह आप लोग कभी देखे होंगे, यहाँ पर गिरे हुए थे, तो वो जो है हमारे कैमरा में है। तो फिर जो जब हम लोगों ने बिजली कार्यालय का डिस्टेंस और इसका डिस्टेंस जो है हम लोगों ने देखा, तो ये संभव ही नहीं लगा कि ये वहाँ से कोई फायरिंग करके यहाँ पर उसको गोली लग सकती है। तो ये हमारे दिमाग में जो है हम लोग को मन में आया कि ये तो हो ही नहीं सकता है। फिर हम लोगों ने जो वीडियो फुटेज हम लोग देख रहे थे उसको देखा, फिर सीसीटीवी कैमरा को देखा, तो अभी जो है वो दिख रहा है और मैं आप लोग को वीडियो भी जो है ये शेयर हो जाएगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देंगे संवाददाता मोहम्मद मेनारुल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मेनारुल, देखिए ये बड़ा अपडेट मिल रहा है इस पूरे मामले में। हालांकि देखिए एसपी की तरफ से कहा जा रहा है कि मामले की जांच की जा रही है, लेकिन ये बड़ा खुलासा भी हो चुका है कि पुलिस की तरफ से जो फायरिंग की गई थी उसमें लोगों की मृत्यु नहीं हुई थी, बल्कि दो अज्ञात लोग इस भीड़ में घुस गए थे। क्या है पूरी जानकारी और साथ ही अपडेट क्या कुछ है? जी मैडम, एक्चुअली परसों जब लोग बिजली विभाग के लिए खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे थे, उसमें कुछ भीड़ उग्र हो जाने के कारण बिजली विभाग के कार्यालय में घुस के तोड़ फोड़ कर रहे थे। उसमें पुलिस के द्वारा उस रात एसपी कटिहार एसपी जितेंद्र कुमार ने बताया था कि पुलिस ने सेल्फ डिफेंस में उन लोगों के ऊपर हवाई हमला किया था, गोली फायरिंग की थी। लेकिन आज बड़ा अपडेट जानकारी देते हुए कटिहार एसपी ने पीसी करते हुए बताया कि भीड़ में कुछ अज्ञात लोग घुस गए थे, जिसमें हथियार के बल पर दो लोगों को गोली मारकर उस भीड़ का सहारा लेकर भागने में सफल हुए हैं। हालांकि उनका पहचान अभी तक नहीं हो पाई है। प्रशासन उनकी तलाश में जुटे हुए हैं। जी आगे जी मैम। ठीक है मोहम्मद, शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।